जेठ के महीने में आज चौथे मंगलवार को कोतवाली साहबाद और जामा मस्जिद चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कोतवाली साहबाद में थाना प्रभारी सुरेश कुमार मिश्रा और सरदारगंज चौकी इंचार्ज विजय कुमार शुक्ला, महिला कांस्टेबल वसुधा मिश्रा, पूजा सिंह नीलम और कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह, हावड़ा अनुज कुमार, नागर प्रतीक यादव आदि लोगों ने कोतवाली परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ रही और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरी और सब्जी के साथ साथ बूंदी का भी प्रसाद बांटा गया। स्थानीय लोगों ने भरपेट प्रसाद ग्रहण किया और थाना कोतवाली साहबाद के सभी स्टाफ की सराहना की। उधर जामा मस्जिद चौकी इंचार्ज सुबोध कुमार जामा मस्जिद चौकी पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। वहाँ पर भी पूरी सब्जी और शरबत का आयोजन हुआ। काफ़ी मात्रा में वहाँ पर भी भीड़ रही और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मस्जिद चौक पर चौकी इंचार्ज सुबोध कुमार, आकाश मौर्या, विपिन कुमार अनुज आदि कांस्टेबल ने सहयोग किया। समाज सेवियों में अनुराग गुप्ता, राजीव गुप्ता, गोपाल त्रिपाठी, मदन राठौर आदि मौजूद रहे। पाली नगर के आधे मोहल्लों का पानी जो है गंदा पानी नाले के द्वारा नदी में जो इस तरीके से छोड़ा जा रहा है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो नदी का पानी काफ़ी हद तक प्रदूषित हो रहा है, जिसमें जीव जंतु आदि पशु पक्षी पानी पीने से भी मतलब गुरेज कर रहे हैं। इतना प्रदूषित पानी हो चुका है पाली गर्रा नदी का, जिससे बहुत प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। जिम्मेदार लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और उसका समुचित उस गंदे पानी का समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस पर जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए।